नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 अक्टूबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बियाडा ने विभिन्न पदों के रिक्तियों के लिए जारी किया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। सीनियर T20 महिला टीम की सदस्य बनी ज्योति 8 अक्टूबर को होगी गुवाहाटी के लिए रवाना। VTR के जंगल में घुसा गंडक नदी का पानी। तेजस्वी यादव विकसित करेंगे विश्व स्तरीय टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर। एक से अधिक पैन कार्ड रखना नुकसानदेह। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बियाडा ने विभिन्न पदों के रिक्तियों के लिए जारी किया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बियाडा पटना ने विभिन्न पदों जैसे डिप्टी जनरल मैनेजर, मैनेजर एरिया, मैनेजर असिस्टेंट एरिया मैनेजर, यंग प्रोफेशनल, जूनियर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इत्यादि के कुल मिलाकर 123 रिक्तियों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो अलग अलग पद के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता और अनुभव निर्धारित है। इसके लिए आवेदक को संबंधित डिसिप्लिन में BE या BTEC या MBA या CA या LLB या MCA या इंटीग्रेटेड BA या डिप्लोमा या ग्रेजुएशन पास होने के साथ ही पदों के अनुसार संबंधित क्षेत्र में 4 से 9 साल तक का कार्य अनुभव होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.biadabihar.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अमिताभ कुमार की। अमिताभ कुमार एक भारतीय लेखक और पत्रकार हैं जो वासर कॉलेज में हेलन डी लॉकवुड चेयर पर अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। अमिताभ कुमार का जन्म 17 मार्च 1963 को बिहार के आरा शहर में हुआ था, हालांकि वह पटना में पले बढ़े। अमिताभ ने 1984 में हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्होंने क्रमशः दिल्ली विश्वविद्यालय और सिरेक्यूज विश्वविद्यालय से भाषा विज्ञान और साहित्य में 2 मास्टर डिग्री प्राप्त की है। 1993 में उन्होंने मिनेसोटा विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक अध्ययन और तुलनात्मक साहित्य विभाग से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वह अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क के पफ किप्सी में रहते हैं। हाल ही में कुमार को गुगेनहाइम फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। सीनियर T20 महिला टीम की सदस्य बनी ज्योति 8 अक्टूबर को होंगी गुवाहाटी के लिए रवाना। बिहार सीनियर T20 महिला टीम की 15 सदस्यीय टीम में जमुई की महिला खिलाड़ी ज्योति का नाम भी शामिल है। ज्योति ने अपनी मेहनत के बदौलत बिहार की सीनियर महिला टीम में तीसरी बार अपनी जगह बनाई। बता दें कि 8 अक्टूबर को वह पटना के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से गुवाहाटी के लिए रवाना होंगी। इसके साथ साथ जमुई के राजेश दुबे ने भी तीसरी बार पुरुष वर्ग के बिहार अंडर 19 टीम में सहायक कोच बने हैं, जो कि अभी कोलकाता में टीम के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने में का काम कर रहे हैं। वहीं आज बिहार की टीम का पहला मुकाबला पोंडिचेरी से होना है। सर्वजीत ने संभाली कृषि विभाग की कमान। महागठबंधन सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद पर्यटन मंत्री सर्वजीत को कृषि मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पर्यटन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। वहीं बीते दिन RJD विधायक सर्वजीत कुमार ने कृषि विभाग की कमान संभाल ली है। इस दौरान विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सर्वजीत कुमार बोधगया क्षेत्र से राजद के सीट से विधायक हैं। सर्वजीत कुमार गया के पूर्व सांसद और विधायक रहे स्वर्गीय राजेश कुमार के बेटे हैं। VTR के जंगल में घुसा गंडक नदी का पानी। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से गंडक नदी अचानक उफना गई है। बताया जा रहा है कि बीते दिन गुरुवार को दोपहर तक गंडक नदी में 3 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज के बाद लगातार जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए गंडक बराज के 36 फाटकों को खोल दिया गया है और नहरों में पानी सप्लाई बंद कर दी गई है। नतीजतन प्रशासन ने नेपाल में हो रही बारिश को देखते हुए संभावना जताई है कि जलस्तर में वृद्धि हो सकती है। इसे लेकर प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। वहीं गंडक नदी का पानी VTR के भट्टा, भेड़ीहाड़ी, मदनपुर आदि इलाके में भरने लगा है। हर साल आने वाली बाढ़ से वन और वन्य जीवों को भारी नुकसान हो रहा है।
राजगीर रोपवे इस वजह से है बेहद खास। बिहार में कई दर्शनीय ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है राजगीर का रोपवे। आपको रत्नागिरी पहाड़ी की चोटी पर ले जाने वाला राजगीर रोपवे देश का सबसे पुराना रोपवे माना जाता है। यह आपको समुद्र तल से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर ले जाता है। यह चेयरलिफ्ट रोपवे आपको आकर्षक पंत वन्य जीव अभयारण्य और उदयगिरी, वैभागिरी, सोनगिरी और विपलाचल की राजसी चोटियों के लुभावने मनोरम दृश्यों में खो जाने का मौका देता है। रोपवे रत्नागिरी पहाड़ी की चोटी पर स्थित विश्व शांति स्तूप के पास जाने के लिए परिवहन का एक माध्यम है। यह 7 दिन खुला रहता है। यहाँ 32 लोगों के कंधों पर सवार होकर विदा हुई माँ। 9 दिनों की शारदीय नवरात्रि के बाद कई जगहों पर दशहरा के दिन मूर्ति विसर्जन कर दिया गया। वहीं कई जगहों पर एकादशी के दिन यानी बीते दिन गुरुवार को मूर्ति विसर्जन किया गया। इस बीच मुंगेर जिले से एक तस्वीर निकलकर सामने आई जहां मां की प्रतिमा विसर्जन के लिए ठिकरा यानी मां के बैठने की जगह बनाई जाती है जिसे 32 लोग उठाते हैं जो कुम्हार जाति के होते हैं। इस साल 45 किलोग्राम चांदी से ठिकरा बनाया गया है। मुंगेर में इस अनोखे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बुजुर्ग लोगों का कहना है कि यह काफी दिनों से यहां होता आ रहा है जो अब परंपरा बन गया है और इस परंपरा का निर्वहन आज की पूजा समितियां भी कर रही है। नए कृषि मंत्री ने किया 9000 नई नौकरी देने की घोषणा। कृषि मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही महागठबंधन सरकार के नए कृषि मंत्री सर्वजीत कुमार किसानों के लिए 100 करोड़ का डीजल अनुदान देने की घोषणा कर दी है। पदभार संभालते ही कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार के किसानों की सेवा उनका दायित्व है। किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए ज्यादा से ज्यादा योग्य किसानों तक डीजल अनुदान पहुंचाया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने बिहार के युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार के विषय में कहा कि जल्द ही विभाग में बहाली शुरू होगी। फिलहाल उन्होंने कृषि विभाग में 9000 पदों पर बहाली की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि कृषि विभाग को हैंड की आवश्यकता है, इसके लिए युवाओं को काम करने का अवसर दिया जाएगा। युवा किसानों की सेवा करने के साथ साथ अपना कैरियर भी संवारेगा। विवेक ठाकुर को केंद्र से मिली अहम जिम्मेदारी। भाजपा नेता एवं राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर को शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संसदीय स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसकी जानकारी खुद सांसद विवेक ठाकुर ने ट्वीट कर दी है और केंद्र का आभार जताया है। भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने ट्वीट कर कहा कि संसदीय लोकतंत्र में संसद की स्थायी समितियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह महत्वपूर्ण दायित्व देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी तथा केंद्रीय नेतृत्व का आभार। वहीं इसके आगे उन्होंने ट्वीट में लिखा कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दिए गए इस महत्वपूर्ण दायित्व का सफलतापूर्वक निभाने तथा उस पर खड़ा उतरने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। सृजन घोटाला मामले में सीबीआई ने की बड़ी कार्रवाई। बिहार का बहुचर्चित सृजन घोटाला मामला में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीपीएससी के रिटायर्ड अधिकारी को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने मधेपुरा के तुनियाही में कृष्ण कुमार को उनके पैतृक आवास और उनके निजी स्कूल पर छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है। बता दें कि सृजन घोटाला मामले के पर्दाफाश का साल 2017 में हुआ था, तब से लेकर आज तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही कई लोगों के अवैध संपत्ति को सरकार ने जब्त भी किया है। इस बीच दिन बांका के कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी अशोक कुमार को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। बिहार में दिख रहा पोस्ट मानसून का असर। बिहार में पोस्ट मानसून का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में कल बारिश हुई है। इसके अलावा कई हिस्सों में बादल छाए रहे हैं। वहीं राज्य में फिलहाल पूर्वी और दक्षिणी हवाएं चल रही हैं जिसके चलते राज्य में बारिश लगातार जारी है। पोस्ट मानसून में अभी तक बिहार में 14 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार यह बारिश सामान्य से ज़्यादा है। वहीं इसके कारण 7 अक्टूबर तक बारिश होने के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो लगातार बारिश के चलते अक्टूबर महीने में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और सर्दियों का मौसम दिवाली के बाद से शुरू हो जाएगा। एविएशन सेवाओं के लिए युवाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग। डाक प्रशिक्षण संस्थान के बाद दरभंगा में दूसरा केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान खुलने जा रहा है। यहाँ एविएशन सेवाओं के लिए युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार इस प्रकार के प्रशिक्षण संस्थान खोलने पर विचार कर रही है। बता दें कि एविएशन सेक्टर में ड्यूटी स्टाफ जैसे पदों के लिए प्रशिक्षित युवाओं की भारी कमी देखी जा रही है और देश में ऐसे रोजगार के लिए ट्रेनिंग देने वाले केंद्रीय संस्थान का भी काफी अभाव है। इसको देखते हुए बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री से इस संस्थान के संबंध में प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह किया है। बता दें कि खासकर बिहार में एविएशन का तेजी से विकास हो रहा है, इसको देखते हुए बिहार में प्रशिक्षण केंद्र खोलने से युवाओं को काफी लाभ होगा।
मुकेश अंबानी को धमकाने वाले शख्स की मां ने कहा, मेरा बेटा मानसिक तौर पर बीमार। आपको एक खबर सुनने को मिली होगी जिसमें आपको पता चला होगा कि मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, साथ ही बम से उड़ाने की बात भी कही जा रही है। जिस शख्स ने यह धमकी दी है वो बिहार के दरभंगा जिले से मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद यह बात सामने आ रही है कि वो इंसान मानसिक तौर पर विक्षिप्त है। दरअसल आरोपी युवक मनीगाछी के ब्रह्मपुरा गाँव निवासी सुनील कुमार मिश्र के पुत्र राकेश कुमार मिश्र को मुंबई पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी राकेश मानसिक बीमारी का शिकार है। राकेश के पिता सुनील कुमार मिश्र बिहार इंटर काउंसिल में कार्यरत हैं। वहीं राकेश की मां का कहना है कि उनका लड़का पढ़ने में काफी अच्छा था, मैट्रिक एग्जाम में भी 80% मार्क्स लाया था, पटना सेंट्रल स्कूल में पढ़ता था। किसी बात को लेकर स्कूल में उसको टॉर्चर किया गया, जिसके बाद से वह मानसिक रूप से बीमार रहने लगा। पिछले 10 सालों से उसका इलाज चल रहा है। तेजस्वी यादव विकसित करेंगे विश्व स्तरीय टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर। महागठबंधन सरकार कृषि मंत्री सुधाकर सिंह द्वारा इस्तीफा दे देने के बाद सरबजीत कुमार को कृषि मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। वहीं सरबजीत कुमार से पर्यटन विभाग का कार्यभार लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पर्यटन विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। बीते दिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी संभाली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में बिहार में असीम संभावनाएं हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सभी को ब्रांड एम्बेसडर बनकर बिहार की ब्रांडिंग और प्रमोशन करना है। हमारी सरकार की कोशिश है कि राज्य में बुनियादी सुविधाओं, शानदार व्यवस्थाओं एवं विश्व स्तरीय टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के साथ साथ पर्यटन केंद्रों की संख्या बढ़ाए। सुशील मोदी ने कहा कि एबीसी पर सुप्रीम कोर्ट जाकर समय बर्बाद ना करें नीतीश कुमार। निकाय चुनाव में एबीसी मामले में पटना हाईकोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए महागठबंधन सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया। इस पर भाजपा नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को सलाह दी है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाकर वक्त बर्बाद ना करें। सुशील मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा नीतीश कुमार, समय बर्बाद ना करें, कोर्ट के निर्देशों का पालन कर डेडिकेटेड आयोग तुरंत गठित करें, अन्यथा और 6 माह विलम्ब हो जाएगा। एजी और एसीसी के पत्रों को सार्वजनिक करें, नीतीश ईबीसी को आरक्षण से वंचित करने का जिम्मा लें। अमित शाह के दौरे को लेकर तेजस्वी ने कही ये बात। बिहार में सत्ता जाने के बाद से आगामी जेपी जयंती के अवसर पर अमित शाह का तीसरी बार बिहार दौरा होगा। पिछली बार उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर सीमांचल में चुनावी बिगुल फूका था। वहीं अब अमित शाह जेपी की जयंती पर 11 अक्टूबर को जेपी की भूमि सीताब्दी आरा पहुंच रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी को बिहार आने का अधिकार है, जो भी आना चाहेगा उसे क्या कीजिएगा। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बिहार में भाजपा की हालत टाइट है, इसलिए बिहार के चक्कर काट रहे हैं। बिहार में अमित शाह को कुछ नहीं मिलेगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा था कि अमित शाह को बिहार पसंद आ गया है, बार बार दौरा कर रहे हैं, वे बीजेपी छोड़ने के बाद राजद ज्वाइन करेंगे। जदयू का कमिटमेंट, बिना ईबीसी आरक्षण के नहीं होगा चुनाव। नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार में ईबीसी आरक्षण पर सियासत तेज है। वहीं जदयू की तरफ से भाजपा को आरक्षण विरोधी का आरोप लगाया जा रहा है। इस बीच जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम लोगों का कमिटमेंट अस्पष्ट है, बिना ईबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार निकाय चुनाव को लेकर कोई आदेश नहीं दिया है, कोई अलग मामले में निर्णय दिया है और हाईकोर्ट ने उससे नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को जोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब भी अपना आदेश दिया है उससे पहले बिहार में अति पिछड़ों के आरक्षण की सुविधा चल रही है। इस मामले में बीजेपी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आ रहा है। सच्चिदानंद राय ने कहा, सीएम का मानसिक संतुलन बिगड़ा है। निकाय चुनाव में ईबीसी के फैसले के बाद पक्ष विपक्ष हर कोई बयानबाजियां करने में लगा है। बीजेपी और जदयू में तलवार खींच गई है। इस बीच अब पूरे मामले को लेकर सारण के एमएलसी सच्चिदानंद राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये तो होना ही था, जब कोई आदमी ये सोचने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जो कहूँगा वही कानून है, तो यही होता है। दुर्भाग्य की बात है कि सीएम नीतीश कुमार को सर्वशक्तिमान की फीलिंग दिलाने वाली पार्टी का नाम बीजेपी है। बीजेपी को बिहार के लोगों ने विकल्प के तौर पर चुना था, लेकिन बीजेपी वाले नीतीश कुमार को ही साल 2005 से नेतृत्व देते चले गए। यही नहीं, सच्चिदानंद राय ने कहा कि कभी कभी नीतीश कुमार टीवी पर विक्षिप्त व्यक्ति की तरह दिखते हैं। आज तक आपने नीतीश कुमार को इतना उग्र होते देखा है? बात बात खिसिया जाना, किसी बात पर तुम ताम कर देना, निश्चित रूप से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा है। इसलिए वो सोचते हैं कि मैंने जो फैसला कर दिया वही फाइनल है।
चांद किशोर की पदयात्रा में बारिश बनी बाधा। 2 अक्टूबर से जन स्वराज पदयात्रा पर निकले चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर बीते दिन पश्चिमी चंपारण के गौनाहा के जमुनिया उच्च विद्यालय प्रांगण कैंप में लोगों से मिले। वे जमुनिया में तीसरे दिन रहे। इस क्रम में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वे जीविका आशा और पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी महिलाओं से भी मिले और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। पीके ने उन महिलाओं को जन स्वराज संवाद कार्यक्रम के उद्देश्य को समझाया और कहा कि अपने समाज से अच्छे व्यक्ति को निकालिए जो आपकी समस्याओं का ईमानदारी से समाधान करने के काबिल हो। वैसे लोगों की जन स्वराज में जरूरत है। इस कार्यक्रम के पहले प्रशांत किशोर ने सुभद्रा मंदिर में पूजा अर्चना की। हालांकि वर्षा के कारण धनौजी बाजरा और मैनाटांड में डमरापुर का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे एटीएम से रुपए निकासी के मामले के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एटीएम से 4 से अधिक बार पैसे निकालने पर कटने वाली राशि के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि यह दावा किया जा रहा है कि एटीएम से 4 से अधिक बार पैसे निकालने पर 173 रुपए काट लिए जाएंगे। पीआईबी ने आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। अपने बैंक के एटीएम से हर माह 5 मुफ्त ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। इसके बाद अधिकतम 21 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन या कोई टैक्स होने पर वह अलग से देना होगा। एक से अधिक पैन कार्ड रखना नुकसानदेह। अगर आपके पास भी है 2 पैन कार्ड तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल एक व्यक्ति के पास 2 पैन कार्ड होने की स्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सख्त हिदायत दी है। अगर किसी ने इसकी जानकारी छुपाने की कोशिश की तो आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 272B के तहत उसे 6 महीने की जेल या 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। दरअसल आपको बता दें कि विभाग के मुताबिक एक से अधिक पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है, इसलिए जितना जल्दी हो सके एक्स्ट्रा पैन कार्ड सरेंडर कर दें। इसके लिए आप इनकम टैक्स विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं या फिर संबंधित NSDL ऑफिस में जाकर यह काम कर सकते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। गांधी जी की नवजीवन पत्रिका 1919 में प्रकाशित हुआ। मदर टेरेसा ने 1950 को कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। भारत में त्वरित कार्रवाई बल का गठन 1992 में किया गया था। स्वतंत्रता सेनानी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी नरहरि पारिख का जन्म 1891 में हुआ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की प्रमुख सहयोगी दुर्गा भाभी का जन्म 1907 में हुआ। प्रसिद्ध गजल और ठुमरी गायिका बेगम अख्तर का जन्म 1914 में हुआ। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलिराम भगत का जन्म 1922 में हुआ। प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक विजयदेव नारायण शाही का जन्म 1924 में हुआ। रूसी राजनीतिज्ञ व्लादिमीर पुतिन का जन्म 1952 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जहीर खान का जन्म 1978 में हुआ। भारतीय मॉडल अभिनेत्री एवं मिस वर्ल्ड युक्ता मुखी का जन्म 1979 में हुआ। सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह का निधन 1708 में हुआ। प्रसिद्ध क्रांतिकारी व्यक्ति केदारेश्वर सेन गुप्ता का निधन 1961 में हुआ। केरल के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक के क्लप्पन का निधन 1971 में हुआ। अब WhatsApp पर भी नहीं ले पाएंगे स्क्रीनशॉट। मेटा के स्वामित्व वाला पॉपुलर मैसेजिंग ऐप WhatsApp भी अब स्क्रीनशॉट की परमिशन नहीं देने वाला फीचर एक्टिव कर रहा है जो कि Facebook पर पहले से ही मौजूद है। दरअसल कंपनी नए फीचर को रोल आउट कर रही है। इससे चैट का स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा सकता है। हालांकि ये फीचर केवल व्यू वंस से भेजे गए इमेज के लिए उपलब्ध होगा। यानी अगर किसी ने व्यू वंस फीचर की मदद से कोई इमेज भेजा है तो उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा सकता है। पहले लोगों को शिकायत रहती थी कि व्यू वंस फीचर से भेजे गए इमेज का स्क्रीनशॉट लेकर यूजर उसे सेव कर लेते हैं। पेपराजी पर भड़कने को लेकर अनुष्का हुई ट्रॉल। अनुष्का और विराट जितने पॉपुलर जोड़ी हैं उतने ही अपनी बेटी वामिका को लाइमलाइट से दूर रखना चाहते हैं। इस साल की शुरुआत में एक क्रिकेट मैच के दौरान वामिका की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसके बाद अनुष्का ने लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि वह उनकी बेटी की प्राइवेसी को खराब ना करें। इसके बाद एक बार फिर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ बेटी वामिका भी हैं। इस दौरान पेपराजी ने एक्ट्रेस से पोज देने के लिए कहा और उन्होंने कैमरे के लिए पोज भी दिया, लेकिन अचानक अनुष्का को लगा कि पेप्स वामिका का वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वह भड़क गई। हालांकि पेप्स ने कहा कि वो वामिका का वीडियो नहीं बना रहे हैं। इसके बाद इस वायरल वीडियो को देख लोग अनुष्का को ट्रोल कर रहे हैं।
9 रन से भारत ने गवाया साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे। भारत बनाम साउथ अफ्रीका खेले गए 3 मैचों के पहले वनडे मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को 9 रन से हरा दिया। अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए डेविड मिलर और हेनरिक क्लासेन की दमदार अर्धशतकीय पारियों की बदौलत निर्धारित 40 ओवर में 249 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय टीम संजू सैमसन के 86 रन के बावजूद 40 ओवर में 8 विकेट खोकर 240 रन ही बना सकी। अफ्रीका द्वारा मिले 250 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब और धीमी रही। हालांकि श्रेयस अय्यर 50 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद संजू सैमसन ने शार्दुल ठाकुर के साथ मिलकर एक अच्छी साझेदारी की। शार्दुल भी 33 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद भारत ने लगातार विकेट गंवाए, लेकिन एक छोर से संजू उम्मीद जगाए हुए थे, लेकिन आखिरी ओवर में टीम को जीत के लिए 30 रन चाहिए थे, लेकिन टीम सिर्फ 20 रन ही बना सकी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, अतीक खान, राजीव कुमार, नगेंद्र कुमार, विजय कुमार मंडल, अमरजीत कुमार, पवन सिंह, अमन कुमार, अनवर करीम खान, राम सूरत सिंह, सरिता पासवान, ब्रजेश कुमार और भान प्रकाश मौर्य। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आप बिहार में कौन से पर्यटन स्थल पर सबसे पहले जाना पसंद करेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।